बठिंडा शहर के विचकार सरकारी जमीन ते गैर कानूनी तौर ते माइनिंग करन दा मामला सामने आया है। जमीन ते कुछ समा पहला सरकारी क्वार्टर सन, ये करीब 8 किले जमीन है जो कि बठिंडा के आई जी की कोठी तो महज कुछ ही गजा की दूरी ते है। बठिंडा डिवेलपमेंट अथॉरिटी की सरकारी जमीन से अद्धी रात तो लैके दिन निकलन तक सैकड़े ट्रक मिट्टी पुट के लै जाते हैं। ये कारा कई दिनों तो सरकारी अफसर की नक् थले चल रहा है। अज बठिंडा तो जब डे एंड नाइट न्यूज़ के पत्रकार ने मौके पर जाके देखा तो करीब 8 किले जमीन विचों JCB लगा के मिट्टी पुटी जा रही थी। इसकी सूचना जदों जिले के DC नूं दिती गई तो सरकारी अमला मौके पर पहुंचा, पर उस वेले तक गैर कानूनी तौर पर मिट्टी पुटन वाले व्यक्ति मौके तो फरार हो चुके सन। BDA अधिकारी इस गैर कानूनी काम पिछले व्यक्ति नूं जानते सन अते ओ उसनूं फोन करके मौके पर बुलाते रहे। ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਘਾਰੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਮਲੇ ਲਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ JEE ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਲੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਯਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਆ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ JEE ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ JEE ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ JEE ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਆਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜੀ। लोगों मुताबिक वालिया नाँ का एक व्यक्ति जो कि JCB का मालिक है काफ़ी समय तो हज़ारों की गिणती में मिट्टी के ट्रक भर के वेच चुका है। कुछ ईमानदार स्थानक वासियों ने उच्च अधिकारियों को इस गैर कानूनी काम को रोकने लिए गलबात भी की थी, पर उन्होंने कान से जू ना सरकी। किसान बड़े भी आज नहीं बेचने लगे 3 महीने का बेचता इतना पहले इन्होंने निंगा के गुरुद्वारे को फस गया सी लाल चंद का ना जो इंचार्ज बनाया हुआ समझे ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਪੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਫਲਾਣ ਦੇਊਗਾ ਸਭ ਐਕਸ਼ੀਨ 4 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰੇ ਸਾਲੇ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚ ਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਦੇਗੀ ਪੰਪ पे पाइपा कढ़ लिया एदा कोई पता नहीं की टेंडर होया की टेंडर च है की इथों लजाना इन्होंने की बेचा की इन्होंने सरकार नूं दिता कोई इहनूं पता ही नहीं कुछ पता नहीं की करनगे उजाड़ बनाता चंगा भला इत्थे पहलां सैर करन नूं वधिया जगह सी दरख्त सी दरख्त वढ ले हां जी आ हुण ढेर लाते पता नहीं समझ नहीं आउंदी इह बणू की पहलां कहिंदे सी जी इत्थे 22 सैक्टर बणूगा फिर कहिंदे 34 बणू फिर कहिंदे 17 बणू हुण कहिंदे आ वी मल्टीप्लैक्स कोई हाउसिंग सोसाइटियां बनाउणियां पता नहीं कदों बणनियां जी उहना चिर उजाड़ हो गया नशियां दे अड्डे हो गए इत्थे। मौके पर पहुंचे बठिंडा के नायब तहसीलदार ने जगह का जायजा लिया और इसकी रिपोर्ट DC नूं दे के पुलिस नूं मामला दर्ज करने के हुक्म दे दिए ने। असी मौके के उत्ते दो एक टिपक के एक JVC खड़िया ने गिया तो SI मौकेदार मैं कहता भी इन्हों पुडा लैंड SDO के बयान लिख के इन्हों के बंद की खिलाफवाई करो ये संबंधी DC साहब दस दिता गया। ये सूँ भी दसो कि पुडा की शमूलीयत है जी पुडा के अधिकारियों की भी शमूलीयत ये हैगी है ये तो है नहीं गा भी ये बारे की जाँच होगी। हाँ ये अभी मतलब इनकुआरी करा लेंगे DC पद्धर DC साहब दस के उन्होंने इनकुआरी करा लेंगे भी वो बिच शामिल नहीं है। हैरानी की गल यह है कि इस तरह नाल गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन विचों मिट्टी पुट्टन वाला होर कोई नहीं बल्कि सरकारी ठेकेदारी है जो कि बड़ी ही चलाकी नाल मिट्टी वाले टोया नूं ढाए गए क्वार्टर के मलबे नाल पूर दिंदा सी तां जो किसी नूं इस काले धंधे की भिणक ना पवे। जेकर इस मामले की गहराई नाल जांच करवाई जाए तो कई सरकारी अफसर भी इस घोटाले की लपेट में आ सकते हैं। बठिंडा तो कैमरामैन राम सिंह गिल और स्वरण सिंह दानेवालिया के नाल सुप्रीत सिंह कालों डे एंड नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो आपां मिलांगे फेसबुक ते असीं दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।